Hello everyone, this question appears in class 8th NCERT chapter of algebraic expressions and identities. This is third question of its exercise 9.1. So the question says that add the following. So first is AB minus BC. Add karna hai, so sign change nahi honge. So plus BC minus CA plus CA minus AB. So AB se minus AB cancel out ho jayega. CA से माइनस CA से प्लस CA कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी AC एंड CA इज इक्वल देन माइनस BC से PC सो इसका सम हो जाएगा जीरो देन सेकंड A माइनस B प्लस AB प्लस B माइनस C प्लस BC प्लस C माइनस A प्लस AC सो माइनस B से प्लस B कैंसिल आउट हो जाएगा A से माइनस ए देन प्लस सी से माइनस सी तो इनका सम हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी देन थर्ड इज टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये दोनों टर्म्स सेम है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर सो प्लस टू एंड माइनस थ्री सो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देन माइनस थ्री पी क्यू प्लस सेवन पी क्यू ये हो जाएगा प्लस फोर पी क्यू देन फोर प्लस फाइव ये हो जाएगा नाइन सो हो जाएगा फोर पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस नाइन देन फोर्थ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल सो यहां टू एल है सो हो जाएगा टू एल स्क्वायर प्लस एम बी टू है सो टू एम स्क्वायर प्लस एन बी टू है सो टू एन स्क्वायर प्लस तीनों टर्म्स डिफरेंट है सो हो जाएगा टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल थैंक यू